अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ फरहान यूसुफ और आपकी बात जानते हैं कि इस दफ़ा जो इस सैटरडे को जो आने वाला सैटरडे यानी कल का दिन जो है वो आप लोगों के लिए बड़ा ही अच्छा दिन है। क्यों भाई? वो इसलिए कि यहाँ पर मेरे पास इस वक्त स्टूडियो के अंदर आप लोगों के लिए जो गिफ्ट थे, जो USP हम आपको देने जा रहे हैं कल के जो आपका टेस्ट है उसकी बेस पर और उसके रैंकिंग की बेस पर, वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ये USP आप लोगों को तक कल पहुँच जाएगी। और मैंने ये अनाउंसमेंट भी की थी अपनी पोस्ट के अंदर, जो मैंने रात को ये पोस्ट की आप लोगों के लिए, और मैंने उसमें ये बात कही थी कि ये USP ही सिर्फ हम आपको नहीं दे रहे बल्कि साथ ही साथ वो स्टूडेंट के जो टॉप करेंगे और अगर वो लाहौर से बिलोंग करते हैं तो हम उन्हें इनवाइट करेंगे अपने स्टूडियो के अंदर और उन्हें इनवाइट किया जाएगा कि जी वो हमें ज्वाइन करें, क्लास के ड्यूरेशन के अंदर हमें ज्वाइन करें, हम इस स्टूडेंट से आपकी मुलाकात करवाएंगे और आप तमाम के तमाम लोग जो है ना इनसे मुलाकात का शर्फ हासिल करेंगे। ठीक है, इनकी बड़ी पर्सनैलिटी बन चुकी है ना भाई, इनके टॉप किए भाई, किसी एक स्टूडेंट ने किसी एक टेस्ट के अंदर टॉप किया है तो वो किसी एक पर्सनैलिटी से कम नहीं है। तो चूंकि एक सेलिब्रिटी बन चुका है वो, तो हम उसके उसका हम यही करेंगे कि जी वो हमें टाइम दे रहा है तो वो हमें शर्फ बख्श रहा है कि हम उनसे मुलाकात करें, तो हम भी और आप सब भी जो है ये शर्फ हासिल करेंगे कि इस सेलिब्रिटी से हम मुलाकात करेंगे कल के दिन के बाद, यानी कि कल का दिन डिसाइड कर देगा कि कौन हमारा विनर है इस टेस्ट का। और आप ही बात जानते हो कि 20 जो है हमने आपके लिए MCQs डिसाइड किए हुए हैं, 20 MCQs केमिस्ट्री से बिलोंग करने वाले, मतलब कि केमिस्ट्री से रिलेटेड होंगे, चैप्टर नंबर 1 और 2 से रिलेटेड होंगे और इंतहाई आसान, मतलब मैंने इंतहाई आसान जो है वो टेस्ट आप लोगों के लिए बनाया, कोई मुश्किल टेस्ट नहीं है उसमें और आप आसानी से कोई मुश्किल नहीं रहेगी उसके अंदर। बाकी बड़ी डिबेट चल रही है भाई, गजाला और जो है आयशा और इस तरह से बहुत से स्टूडेंट्स मुझे कह रहे हैं कि भाई 5 मिनट तो बहुत कम है। मैं इनसे यही बात कह रहा हूं कि देखो आप लोगों की, हम कहते हैं ना ट्रेनिंग के लिए ही हमने जो है ये 5 मिनट्स जो है वो रखे हैं, क्योंकि देखो हम चाहते हैं कि जिस तरह से आप जानते हो कि आपने एंट्री टेस्ट देना है तो एंट्री टेस्ट में तो जो टेस्ट होता है जो उसके MCQs होते हैं बहुत ही मुश्किल होते हैं, हम तो बहुत ही आसान MCQs बना रहे हैं भाई, बहुत आसान MCQs बना रहे हैं। ठीक है, वहां बहुत मुश्किल MCQs होते हैं, आपको उसकी जो इबारत या स्टेटमेंट होती है उसको समझना और समझने के बाद कॉन्सेप्ट को देखना कि भाई कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करूंगा इसके ऊपर ताकि मेरा जो रिजल्ट है, जो मेरा राइट आंसर है वो मेरे पास आ जाए, तो उसको सोचने समझने के लिए कुछ टाइम रिक्वायर होता है और आप एक बार जानते हैं कि वहां टाइम बहुत कम होता है, आपको बहुत कम टाइम मिलता है क्वेश्चन को सॉल्व और उसको राइट ऑप्शन जो है उस तक पहुंचने के लिए। तो हम चाहते हैं कि हम उस पैनिक सिचुएशन के लिए पहले ही से आपको रेडी कर लें, उस पैनिक सिचुएशन के लिए पहले ही से आपको ट्रेन कर लें, तो इसीलिए हमने क्या किया है कि हमने 5 मिनट्स का ड्यूरेशन रखा है। लेकिन चूंकि आप लोगों का बहुत इसरार है तो इस पे डिबेट चल रही है, हमारी भी डिबेट चल रही है आपस में, हमारे जो टीम है मेंबर, ठीक है, इन तमाम लोगों की भी डिबेट चल रही है कि ये 5 मिनट्स का ड्यूरेशन ही ठीक रहेगा या हम इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लें। ठीक है, तो मैं कल मतलब आज शाम तक आप लोगों को ये बात क्लियर कर दूंगा कि 5 मिनट्स ही हैं या थोड़ा बहुत हमने इसके अंदर एक्सटेंशन की है टाइम के अंदर, लेकिन अभी तक यही बताऊंगा कि 5 मिनट्स का आपने जहन में रखना है कि 5 मिनट्स का मार्जिन है, उसके अंदर अंदर रहते हुए आपने MCQs को सॉल्व करना है और जो सबसे ज्यादा जो है MCQ सॉल्व कर पाएगा, जो सबसे ज्यादा ठीक MCQ सॉल्व कर पाएगा वही जो है हमारा विनर होगा। और USP जो है मैं आप लोगों को, अच्छा USP मैं आप लोगों को दिखा चुका हूं और USB मैं आपको दिखा चुका हूं कि भाई USB आपको मिलेगी और ये 16 GB USB है, बेसिकली तौर पे ये 16 GB USB है जो कि आपको मिलने जा रही है और ये कल जो है स्टूडेंट्स डिसाइड हो जाएंगे कि जिनको ये मिलेगी। और इस पर 3 यहाँ हमारे पास हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स जो टॉक करेंगे उन सबको USB मिलेगी, तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को USB मिलेगी, बेफिक्र हैं, अगर आप 5 लोग 10 लोग भी टॉप करते हैं तो सबके सबको इंडिविजुअली तौर पर USB मिलेगी और वो स्टूडेंट्स के जो लाहौर बेस्ड हैं हम उनको इन्वाइट करेंगे अपने स्टूडियो के अंदर और उन्हें कहेंगे कि जी आप आएँ और यहाँ आकर हमें जो है अपना हाल अहवाल भी बताएं और जो ये तमाम लोग सामने बैठे में हमारी ऑडियंस जो है उसे आप भी फेस करें। ठीक है, तो कैमरे की आंख उन्हें भी देखेगी जो कि कल विनर्स होंगे, जो टॉपर्स होंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स इस वक्त यूट्यूब पर हैं वो फौरन से रजिस्टर करवाएंगे, किसके ऊपर? फौरन से कैंपस पर रजिस्टर करवाएंगे, कैंपस पर रजिस्टर इसलिए करवाएंगे क्योंकि कैंपस पे हमारा जो है वो टेस्ट होगा, इसी ड्यूरेशन में होगा, 5 बजे से ऑनवर्ड ही हमारा टेस्ट होगा ये, तो आपने कैंपस पर आना है ताकि आप लोग कल का ये जो टेस्ट है इसके अंदर जो है आप पार्टिसिपेट कर सको और कल के विनर्स में आपका भी नाम हो। तो इसलिए तमाम वो स्टूडेंट्स के जो इस वक्त यूट्यूब पर हैं वो सबके सब जो है कैंपस पर आएंगे, अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई फीस हम नहीं ले रहे,
हम ये बात जानते हैं, बहुत सी ऐसी साइट्स हैं कि जो पढ़ा रही हैं, ऑनलाइन पढ़ा रही हैं, ट्यूशन दे रही हैं, लेकिन साथ ही साथ वो अच्छी खासी अमाउंट लेती भी हैं स्टूडेंट से। भाई अब वो कहती हैं कि जी रजिस्ट्रेशन के लिए इतने हज़ार दो, रजिस्ट्रेशन के बाद फिर मंथली इतने हज़ार दो। हम आपसे ना रजिस्ट्रेशन का कुछ लेते हैं, ना ही हम आपसे डिमांड करते हैं कि आप मंथली हमें कुछ दें। हमारे लिए जो आप लोगों की फीस है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी दुआएं हैं, आपकी इंकरेजमेंट है, और साथ आपका ये जो आपका साथ हमारे साथ चल रहा है, ये तो आपका साथ हमारे साथ जुड़ा हुआ है, सिर्फ यही हमारे लिए जो है हमारे हमारी इन तमाम एफर्ट्स का जो है कह सकते हैं कि ये उसका एक रिस्पांस है जो हम चाहते हैं आपसे। और इसके अलावा हम कुछ आपसे डिमांड नहीं करते, सिवाय आपकी दुआओं के, आपके पॉजिटिव रिस्पांस के और आपके साथ के, इसके अलावा कुछ हम आपसे डिमांड नहीं करते। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास इस वक्त यूट्यूब पर हैं, फेसबुक पर हैं, सबके सब जो हैं वो फौरन से रजिस्टर करवाएंगे campus.pk के ऊपर और आएंगे। और कल का जो एक इंटरेस्टिंग सा एक जो है वो हमारे पास एक कंपटीशन डेवलप होने जा रहा है। बेसिकली तौर पे कंपटीशन नहीं, आपको इंकरेजमेंट दी जा रही है कि आप एफर्ट्स करें। भाई आप एफर्ट्स करेंगे तो आप लोगों के मार्क्स आएंगे, और FSC पार्ट 1 में आपके मार्क्स आएंगे तो FSC पार्ट 2 में तो खुद ब खुद आप एक्सेलरेट कर पाएंगे। तो इसीलिए इस चीज को हमने जो है क्या कहते हैं आपके सामने रखा, और ये चीज लाजमी थी और ये चीज जरूरी थी, और हमने सोचा कि जी हम आपकी जो थोड़ी सी इंटरेक्शन है, मतलब थोड़ा सा जो कहते हैं ना इंटरेस्ट है स्टडीज के अंदर, थोड़ा सा और निखार दें। हमने आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, हमने लोगों को बुलाया, आपको इंटरव्यू जो है इंटरव्यू उनके जो है वो आपके सामने करवाए ताकि आप लोग उनसे मोटिवेशन ले सकें। तो कल के दिन हमारी जो एक्टिविटी रहेगी वो यही रहेगी कि हम एक तो ये कि ये टेस्ट करेंगे, और उसके बाद हम फिर पूरे लेक्चर के अंदर उस टेस्ट को एलैबोरेट करेंगे, उस चीज़ों को देखेंगे, आपके क्वेश्चन सुनेंगे, आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे, आपके जो एग्रेशन है कि मैं क्यों फर्स्ट नहीं आया, मैं क्यों फर्स्ट नहीं आया, उसको भी हम सुनेंगे। और जो टॉपर्स होंगे हम उनकी बातें भी करेंगे, क्योंकि टॉपर्स तो बड़े ही फूले भी समारे होंगे, तो उनको भी जो है हम शाबाश कहेंगे, वेलकम कहेंगे और कॉन्ग्रेचुलेशन कहेंगे। तो थोड़ा सा हम आप जो है वापस अपने लेक्चर की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि हमने बातें बहुत ज्यादा कर ली हैं, हम पढ़ते पढ़ते कोई नहीं, भी वापस अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। और इस वक्त हम जो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वह है गैस लॉस। ठीक हो गया, गैस लॉस की मैं बात करूंगा। देखें आप ये बात जानते हैं, हमने डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर की बात की थी, जिसमें हमने सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की बात की थी। लेकिन चूंकि हम अब आपसे जो ऑनवर्ड हम पढ़ेंगे वो सब के सब गैस के बारे से पढ़ेंगे, यानी गैसेस बेसिक तौर पे हमारे चैप्टर का नेम है, गैसेस बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है चैप्टर का नेम है, तो हम गैसेस को ही एलैबोरेट करेंगे, गैस के हवाले से ही जो है हम डिस्कशन जो है वो ऑनवर्ड इस वक्त लेके चलेंगे। ठीक हो गया, तो अगर हम बात करते हैं गैस की, तो हमने गैस की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को एलैबोरेट किया था, डिफरेंट प्रॉपर्टीज को आपके सामने मैंने एक्सप्लेन किया था, और वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी थी, फौरन फौरन आपने रिकॉल करना है, फौरन से आपने बताना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी। देखो आप ये बात जानते हो कि बाय द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द गैस वॉल्यूम विल इंक्रीजेस, ये बात आपने पढ़ी हुई है ना, आपने ये बात जो है डिस्कस की थी, जब प्रॉपर्टीज ऑफ गैस हमने डिस्कस की थी, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ठीक है, इसके साथ साथ आप ये बात जानते हो कि अगर हम किसी एक गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उससे क्या हो जाता है कि उससे हम किसी गैस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो हमने कहा था कि कंप्रेसिबिलिटी है चूंकि गैस के अंदर, तो गैस कंप्रेस हो जाती है, और जब गैस कंप्रेस होती है तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। ठीक हो गया, तो देखो मैंने दो पैरामीटर्स आपके सामने डिस्कस किए, टेम्परेचर का इफेक्ट ऑन वॉल्यूम ऑफ द गैस, और इसके साथ साथ प्रेशर का इफेक्ट ऑन द वॉल्यूम ऑफ द गैस, मैंने आपके सामने ये चीज एलैबोरेट की, ये चीज एक्सप्लेन की है। ठीक है, इसके साथ साथ आप ये बात जानते हो कि जब हम किसी एक गैस के वॉल्यूम की बात करते हैं तो गैस का वॉल्यूम एक और चीज भी डिसाइड करती है, और वो क्या है बेसिकली तौर पर, वो है अमाउंट ऑफ गैस। वो क्या है, अमाउंट ऑफ गैस, यानी आप कितनी अमाउंट में गैस ले रहे हो। आप ये बात जानते हो कि जैसे जैसे हम बैलून के अंदर जो है वो एयर को ब्लो करते हैं ना, हवा डालते हैं उसके अंदर, तो वह आहिस्ता आहिस्ता फूलना शुरू हो जाता है, ऐसा है कि नहीं है भाई, जानते हैं ना आप लोग इस बात को। तो जैसे जैसे आप उसके अंदर एयर को ब्लो करते जाते हो वैसे वैसे जो ये गुब्बारा है, बैलून है, वो फूलना शुरू हो जाता है। तो इससे क्या आपको बात मिल रही है, समझने में आ रही है, वो ये कि जितनी हम एयर डाल रहे हैं, जितनी कंसंट्रेशन उस गुब्बारे में, उस बैलून के अंदर बढ़ाते जा रहे हैं एयर की, उतना ही वो वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई करता जाएगा। ठीक है, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जैसे जैसे आप क्या कहते हैं अमाउंट ऑफ गैस को इंक्रीज करते हो, वैसे वैसे ही क्या होता है, वैसे वैसे ही जो वॉल्यूम ऑफ द गैस है वो भी इंक्रीज करेगी। तो मैंने आप लोगों के सामने ये चीजें एक्सप्लेन की हैं, मैंने एक तो कहा कि टेम्परेचर का इफेक्ट ऑन वॉल्यूम क्या है, मैंने आपसे कहा कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो वॉल्यूम भी इंक्रीज करता है, और अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर देते हो, यहां लिख लेते हैं भाई इसको, टेम्परेचर को डिक्रीज कर लेते हो तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, वो भी डिक्रीज हो जाता है। ठीक हो गया, इसको हम इधर मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, ये इसके लिए है,
और ये रिलेशन इसके लिए है, ठीक है। टेम्परेचर की इंक्रीजमेंट वॉल्यूम को इंक्रीज करेगी, टेम्परेचर की डिक्रीजमेंट वॉल्यूम को डिक्रीज करेगी फॉर द गैसेस, ठीक है। सिमिलर वे किन्होंने आपसे बात डिस्कस की कि जब आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो उसका इफेक्ट वॉल्यूम पे क्या होता है, कि प्रेशर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज होता है, ये वाला इफेक्ट मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। प्रेशर के इंक्रीज होने से वॉल्यूम डिक्रीज होता है, ठीक है। और अगर आप प्रेशर को डिक्रीज कर देते हो तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है किसी भी गैस का। और अभी मैंने आपसे कहा कि अमाउंट ऑफ गैस को इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, और अमाउंट ऑफ गैस के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि जी अमाउंट ऑफ गैस को हम नंबर ऑफ मोल्स में लिखते हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी एक गैस के नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज करोगे तो उससे क्या होगा, उससे उसका वॉल्यूम जो है वो भी क्या कर जाएगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर दिए तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा, और अगर आप नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज करते हो तो वॉल्यूम भी क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, ठीक हो गया। तो ये आपकी एक नॉर्मल सी ऑब्जर्वेशंस हैं, या आपकी नॉर्मल यानी आप कह सकते हैं डेली लाइफ के अंदर जो है ये ऑब्जर्वेशंस हैं, जो कि आप लोग देखते हो अपने इन्वायरमेंट के अंदर भी, इन चीजों को लेके चलते हो, ठीक हो गया। अब इन्वायरमेंट में कैसे लेके चलते हो, देखो आप ये बात जानते हो कि एक मेरे पास सिलेंडर हो, यानी गैस का सिलेंडर हो, ठीक है, गैस का सिलेंडर मेरे पास जो है मौजूद हो, ठीक हो गया। अच्छा, अब उस गैस के सिलेंडर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें अगर हम एक गैस को फिल कर दें, और फिल करने के बाद अगर मैं उस सिलेंडर को टेम्परेचर दूंगा तो वो एकदम से ब्लास्ट कर जाएगा, आप ये बात जानते हो। या इस इवन के अगर आप जलती हुई आग के अंदर कोई शीशे की बॉटल या कोई इस तरह की बॉटल, यानी जो कुछ हद तक टेम्परेचर को जो है वो बेयर कर सकती हो, आप उसे फेंक देते हो तो एकदम से ब्लास्ट होता है। क्यों? क्योंकि उस बॉटल के इन साइड जो गैसेस थी वो टेम्परेचर लेते हुए एक्सपेंड कर रही हैं, जब वो एक्सपेंड करेंगी तो वो जो बॉटल थी वो एक्सप्लोर हो जाएगी, वो फट जाएगी, वो धमाका जो है उसे यानी उसके उसे उसके थ्रू जो है वो धमाका क्रिएट होगा, ठीक हो गया। तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम जाहिर सी बात है इंक्रीज करता है। सिमिलर वे के अंदर अगर आप जो है अगर आप ये बात देखते हो कि प्रेशर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम कैसे डिक्रीज होता है, वो इस तरीके से हो सकता है कि अगर आप बैलून को फिल कर लेते हो, और बैलून को फिल करने के बाद अगर आप उसको तरफ से क्या करते हो, स्क्वीज करते हो यानी उसे दबाते हो, तो अंदर मौजूद जो गैस होती है वो कंप्रेस हो जाती है, वो क्या होती है, कंप्रेस हो जाती है। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, हमने पढ़कर आ चुके हैं, ठीक है। और अमाउंट ऑफ गैस के इंक्रीज करने से वॉल्यूम जाहिर सी बातें इंक्रीज करता है, ठीक हो गया। तो ये तमाम के तमाम बातें अपने जहन में रखते हुए हम ये बात कह रहे हैं कि अब इससे ऑनवर्ड हम गैस लॉज की बात करेंगे। ये गैस लॉज है क्या, वैसे की तो आप ये पढ़ चुके हो, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, हम ये बातें डिस्कस करेंगे, ये तमाम लॉज को पढ़ेंगे, इन तमाम लॉज को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, इन तमाम लॉज को हमने क्या करना है, एलेबोरेट करना है, इन तमाम लॉज को हमने एक्सप्लेन करना है, समझाना है आपको, ठीक है। अच्छा, इन लॉज की जरूरत क्यों पड़ी, इन लॉज को क्यों जो है वो बनाया गया, क्यों जो है हमारे लिए जो है वो पेश किया गया, और अब हम इसको समझते हैं, पढ़ते हैं और याद करते हैं, उसकी रीजन क्या है। उसकी रीजन यही है कि देखो हम ये बात जानते हैं कि टेम्परेचर का इफेक्ट वॉल्यूम ऑफ द गैस पे होता है, प्रेशर का इफेक्ट वॉल्यूम ऑफ द गैस पे होता है, इस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स यानी क्वांटिटी ऑफ द गैस का वॉल्यूम पे इफेक्ट होगा, ठीक है। तो चूंकि इफेक्ट होगा यानी इफेक्ट होता है, तो हम ये बात देखते हैं कि फिर चूंकि इन दो पैरामीटर्स का आपस में रिलेशन है, तो हम इन लॉज के थ्रू इन्हीं रिलेशंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशन देखते हैं, वो एक्सप्लेन करते हैं। हम प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशन देखते हैं, वो एक्सप्लेन करते हैं। हम नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशन देखते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं। समझ आ रही है ना आप लोगों को इस बात की। तो मैंने आप लोगों के सामने ये तमाम चीजें रखी है कि चूंकि हमारी ये नॉर्मल सी ऑब्जर्वेशन थी कि टेम्परेचर का इफेक्ट वॉल्यूम पे होता है, प्रेशर का इफेक्ट वॉल्यूम पे होता है, नंबर ऑफ, तो इन्हीं ऑब्जर्वेशन को सामने लाते हुए डिफरेंट साइंटिस्ट ने लॉस पेश किए हैं गैस के हवाले से। हम उन लॉस को एक्सप्लेन करेंगे, इन दो पैरामीटर्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको हम समझने की, उसको परखने की और उसको आगे तक ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे। तो यहां तक हमारे पास गैस लॉस के हवाले से हमने डिस्कशन को समअप किया है, और मैंने आपको जरूरत बताई है कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ को क्यों डिराइव किया गया, क्यों जो है वो पेश किया गया और उसको एक्सेप्ट किया गया, और अब हम क्यों जो है इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन करेंगे, अभी मैं आपके क्वेश्चंस नहीं ले रहा, थोड़ी देर में मैं आपके क्वेश्चंस देना स्टार्ट कर दूंगा। तो जब
मैं आपसे कहूंगा कि क्वेश्चन मैं आपके ले रहा हूं, तब आपने मुझसे जो है वो क्वेश्चन करना है। अभी मैंने आपके किसी भी क्वेश्चन का आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया, किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। और फिर से मैं ये बात कहूंगा कि जितने भी YouTube के मेरे स्टूडेंट्स हैं वो सबके सब campus.pk पर आएंगे, रजिस्टर करवाएंगे अपने आप को, क्योंकि ये हमारा क्लासरूम है। हम सिर्फ और सिर्फ इस क्लास के अंदर मौजूद स्टूडेंट्स होते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इन क्वेश्चन इन स्टूडेंट्स के क्वेश्चन का आंसर करते हैं। YouTube के ऊपर बैठे स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारा लेक्चर तो सुन सकते हैं लेकिन हमसे कन्वर्सेशन एसेच नहीं कर पाते, हम उनके क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाते, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ इस मीडियम को जो कि campus.pk है, इस मीडियम को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है जनाब, तो यहां तक हमने गैस लॉ जो कि इसका इंट्रोडक्शन था वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं फर्स्ट जो लॉ है हमारा है जो कि बॉल्स लॉ है, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने, मैं उसको जो है लेके चलूंगा, उसको मैं डिफाइन भी करूंगा। ठीक है जनाब, तो जल्दी से इसको रेज कर लेते हैं और फर्दर आगे चलते हैं। और आगे चलते हुए हम गैस लॉज में फर्स्ट जो लॉ हमारा है जो कि है बॉयल्स लॉ, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे और उसको आगे जो है लेकर चलेंगे। ठीक है जी, बॉयल्स लॉ की हम इस वक्त डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो बॉयल्स लॉ की हम इस वक्त डिस्कशन करेंगे, हम बॉयल्स लॉ को इस वक्त जो है एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है जनाब, तो अगर हम बात करते हैं बॉयल्स लॉ की, ठीक है, तो बॉयल्स लॉ है क्या, और बॉयल्स बेसिकली तौर पे साइंटिस्ट नेम है। ठीक है, ये जो बॉयल्स रॉबर्ट बॉयल का कंप्लीट नेम है इनका, रॉबर्ट बॉयल, ठीक है, ये साइंटिस्ट नेम है। जिस साइंटिस्ट ने इस लॉ को पेश किया था उसी के ही नेम की बेस पर हमने क्या किया है, हमने इस लॉ को जो है वो अभी तक याद रखा हुआ है। हमने इस लॉ को हम उसी जो है साइंटिस्ट के नेम की बेस पर ही हम इसको क्या करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, उसको हम नेम असाइन करते हैं। तो अगर हम इस लॉ की बात करते हैं तो इस लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या कुछ कहते हैं, क्या हमारे पास इसकी स्टेटमेंट आएगी। सबसे पहले मैं इसकी स्टेटमेंट राइट करूंगा और उसके बाद फिर मैं इसका मैथमेटिकल रिलेशन जो है वो एक्सप्लेन करूंगा, फर्दर आगे लेके चलूंगा। ये 3.2.1 हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन राइट करते हैं। हम ये बात कहते हैं द वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर प्रोवाइडिंग द टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स रिमेन कॉन्स्टेंट। तो हमने ये बात देखा है कि अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास क्या है, कोई एक गैस है, तो इस गैस की अगर हम बात करते हैं तो इस गैस के हवाले से हम ये बात कहते हैं, थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक हो गया। अच्छा, हम ये बात डिस्कस कर रहे थे कि अगर हमारे पास कोई एक गैस है तो अगर हम इस गैस की बात करते हैं तो इस गैस के हवाले से हम ये बात कहते हैं कि अगर हम उसका टेम्परेचर और उसके नंबर ऑफ मोल्स जो हैं, नंबर ऑफ मोल्स मतलब क्वांटिटी ऑफ द गैस, और उस पर अप्लाई होने वाला जो टेम्परेचर है, जो हम टेम्परेचर कंडीशन अप्लाई करेंगे, जो टेम्परेचर कंडीशन उसे प्रोवाइड करेंगे, इन दो कंडीशंस को अगर हम क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट कर देते हैं, उसको हम अगर चेंज नहीं करते, तो फिर क्या होगा कि जो हमारी गैस है उसका वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में राइट कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, प्रोवाइडिंग द टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ठीक है, वो कॉन्स्टेंट रहेंगे और ये वॉल्यूम और प्रेशर आपस में इनवर्सली रिलेटेड हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम इस एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो देखो, मैंने अभी आपके लिए एक्सप्लेन किया था, आपने भी ये बात डिस्कस भी की थी,
कि जब भी हम किसी एक गैस के ऊपर एक्सटर्नली तौर पे फोर्स अप्लाई करते हैं, किसी गैस के ऊपर एक्सटर्नली तौर पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो उसमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर काज करता है, गैस कंप्रेस हो जाती है। जब भी गैस कंप्रेस होती है तो ओवरऑल उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। तो ये वॉल्यूम डिक्रीजमेंट की बात कर रहा है। बाय द इंक्रीज ऑफ प्रेशर द वॉल्यूम डिक्रीजेस, बाय द डिक्रीज ऑफ प्रेशर वॉल्यूम विल ऑलवेज इंक्रीजेस। जब भी दो पैरामीटर्स के दरमियान, जब भी दो चीजों के दरमियान इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन होगा, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन आपको ये चीज कन्वे कर रहा है कि इनमें से कोई एक चीज इंक्रीज करने से दूसरी चीज डिक्रीज होगी, या किसी एक चीज के इंक्रीजमेंट से दूसरी चीज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम यहां पर देख रहे हैं, और ये अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ है, जो मैंने आपके सामने डेफिनेशन भी राइट कर दी है, और उसका पहला जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, वो मैंने आपके सामने राइट डाउन कर दिया है। ठीक है, अच्छा, अगर हम इस एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो आप ये बात जानते हो कि ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है हमारे पास बॉयल्स लॉ का, चूंकि ये है V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, यानी कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, तो ये हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, और आप ये बात जानते हो कि जब भी दो चीजों के दरमियान इनवर्स रिलेशन हो या कोई डायरेक्ट रिलेशन हो, जो भी रिलेशन होगा, हम कोशिश करते हैं कि इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म कर दें, इसको हम क्या कर दें, रिमूव कर दें। जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन को आप खत्म करोगे, रिमूव करोगे, तो उसकी जगह पर कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और इक्वेलिटी का साइन आ जाएगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी साइन हम एलिमिनेट करते हैं, तो इसकी जगह पर इक्वेलिटी और कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हमारे पास आ जाएगी, V इज इक्वल टू के बाय पी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर रिलेशन जो है ये इन दो पैरामीटर्स के दरमियान है, यानी वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान है, और ये दोनों के दोनों वेरिएबल्स हैं, ये है कांस्टेंट। तो हम वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेंगे, कांस्टेंट को एक तरफ कर लेंगे, तो मेरे पास ये जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा PV is equal to K। ठीक है, और ये हमारे पास क्या बेसिक तौर पे एक वो रिलेशन है, इन एक वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जिसमें कि प्रोपोर्शनलिटी साइन कंप्लीटली तौर पे हम रिमूव कर चुके हैं और एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम हासिल कर चुके हैं। अब मैं आप लोगों के क्वेश्चन लूंगा, मुझे इनके क्वेश्चन डिस्प्ले कर दें ताकि जो है मैं इनके क्वेश्चन का आंसर कर सकूं। अब आप लोग मुझसे क्वेश्चन करेंगे, आई थिंक यहां से इनके जो कमेंट्स हैं वो स्लाइड भी कर दें नीचे, ताकि मैं शुरू से अभी जो आने वाले कमेंट्स हैं नीचे की तरफ कर दें। अब आप लोग मुझसे क्वेश्चन करेंगे, पहले आपके क्वेश्चंस हुए होंगे, मैं उसका आंसर नहीं दे पाया, लेकिन अब से मैं ऑनवर्ड आप लोगों का आंसर दूंगा। यस सर, आज टेस्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने ये इरादा बनाया हुआ है कि आज के दिन हम जो है पढ़ते पुढ़ते नहीं है, हम कल के टेस्ट की डिस्कशन करते हैं, तो ये तो गलत बात है भाई, नई चीज भी पढ़नी चाहिए। कमेंट्स नीचे स्टार्ट कर दें, मेरे ख्याल से कि नए कमेंट्स आ चुके हैं। हाँ जी जनाब, तो अब आप लोगों के मैं क्वेश्चंस लूंगा, आप लोगों ने क्वेश्चंस अब करने, मैं आप लोगों के इसका आंसर करूंगा। और गैस का एक मोल कितने ग्राम के इक्वल होता है, और गैस की नेचर किस पे डिपेंड करती है। अच्छा, आमिर का क्वेश्चन है कि गैस का वन मोल कितने ग्राम कैरी करता है। देखो आमिर, आप ये बात जानते हो कि जब हम बात करते हैं ग्राम्स और मोल का रिलेशन देखते हैं, तो ये डिपेंड कर रहा होता है आप किस तरह की गैस की बात कर रहे हो। यानी फॉर एग्जांपल, आप अगर H2 गैस की बात कर रहे हो, तो H2 गैस में अगर आप 2 ग्राम ले लोगे तो 1 मोल के इक्वल है, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मास ही 2 ग्राम है। ठीक हो गया। और अगर आप क्या करते हो, अगर आप लोग जो है वाटर ले लेते हो वेपर्स फॉर्म के अंदर, तो उसके 18 ग्राम 1 मोल के इक्वल होते हैं। ठीक है, इस तरीके से N2 ले लेते हो तो उसका 28 ग्राम 1 मोल के इक्वल होता है। तो डिफरेंट गैसेस जो हैं उनके डिफरेंट वॉल्यूम्स होते हैं, डिफरेंट गैसेस का जो मोल्स होते हैं, 1 मोल होते हैं उसमें डिफरेंट ग्राम्स होते हैं, डिफरेंट उनका मास हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन दियर मॉलिक्यूलर मास। ठीक हो गया। अच्छा, उसके साथ आपने कहा था नेचर किस पे डिपेंड करती है, तो ये इस पे डिपेंड करती है कि उस गैस के अंदर हम देखें तो उसमें पोलैरिटी है या नहीं है, यानी वो कोई पोलर टाइप ऑफ गैस है या नॉन पोलर टाइप ऑफ गैस है। ठीक है, इस पे डिपेंड करती है इनकी नेचर। नीचे करेंगे स्लाइड, अगर इनके कोई क्वेश्चन अगर इनके आए हैं, इस एरो को हिट कर लें। अच्छा, ये क्वेश्चन है। अच्छा, वाटर से लिखा हुआ है, अ वाटर इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड एस्पिरिन इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सैलिसिलिक एसिड विद द मिक्सचर ऑफ एसिडिक एसिड एंड एसिडिक एनहाइड्राइड, हाउ विल यू सेपरेट द प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। अच्छा, एक तो बड़ी लंबी सी जो है स्टेटमेंट मेंशन की दाऊद ने, और दाऊद मतलब कंसिस्टेंटली तौर पे 2 दिन हो गए क्वेश्चंस कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चंस वो कर रहे हैं कि जो हम चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, वो कर रहे हैं जो हम चैप्टर्स क्लोज कर चुके हैं। तो कोई बात नहीं दाऊद, लेकिन आप ही क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं। दो चीजें आपने कही हैं कि जी हमारे पास सैलिसिलिक एसिड और एनहाइड्राइड आप यूज करें, दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड डिफरेंट है ना भाई, ये सेम थोड़ी है, डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। आप ये बात जानते हो कि हर एक कंपाउंड जो होता है
आप कह सकते हो कि उसकी जो है उसका जो बॉलिंग पॉइंट होता है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम दी अदर वन, ठीक है। क्योंकि इनका बॉलिंग पॉइंट डिफरेंस है तो आप यहां पर डिस्लेशन कामिल कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप वाटर की बात कर रहे हो और वाटर जो है वो एक नॉन सॉरी पोलर सॉल्वेंट है, बाकी तमाम के तमाम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है वो नॉन पोलर है, तो इसके अंदर भी आप सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक के थ्रू भी आप सेपरेशन कर सकते हो, ठीक है जनाब। तो वापस नीचे करेंगे इनके स्लाइड, अच्छा यहां पर आया हुआ है सर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होंगे और ये भी बताएं कि थर्ड चैप्टर से भी एमसीक्यू होंगे या नहीं होंगे। आयशा थर्ड चैप्टर से मैं कोई क्वेश्चन नहीं देने वाला, सिर्फ और सिर्फ पहले और दूसरे से दूंगा, और फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन की आपने बात की तो न्यूमेरिकल ऐसे होंगे जो फौरन से उठ जाएं। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त मेरे पास लाइव हैं, चाहे वो YouTube पर हो चाहे वो इस पर हो, एक तो ये कि YouTube पर यहां पर नहीं, हां YouTube के ऊपर जो है टेस्ट अनाउंस नहीं होगा, टेस्ट यहां पर आएगा यानी कैंपस पर आएगा, तो स्टूडेंट्स यहां पर आए। और दूसरा ये कि आप सब ने अपने साथ अपना कैलकुलेटर जरूर रखना है, क्योंकि हो सकता है कि मैं कुछ छोटा मोटा न्यूमेरिकल दे दूं, तो इसलिए आपने क्या करना है फौरन से जो है न्यूमेरिकल के सॉल्व करने के लिए, हां नीचे करने, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा वाटर इनसॉल्युबल, ये वाला ये तो हम कर चुके हैं ना, ये वाला हो चुका है, मैं वो दे चुका हूँ क्वेश्चन का आंसर। बिंते क्वेश्चन है सर जी, ये तो आम सी बात है कि गैस लॉस क्या है पढ़ें, ये तो हम भी पता है, तो इन्हें लॉ क्यों कहते हैं। अच्छा अच्छा ये बड़ी वैसे पक्की बात की है बिंते ने, कि ये वो कह रही है कि ये नॉर्मल सी ऑब्जर्वेशन है कि जब हम क्या करते हैं प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज डिक्रीज हो जाता है, और प्रेशर की डिक्रीजमेंट वॉल्यूम को इंक्रीज कर देती है। तो ये बॉयल्स साहब जिनका नाम आज तक हम पुकारते हैं, इन्होंने क्या काम किया था, क्या खास काम किया था, और क्यों हम इनको इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं। तो देखो जाहिर सी बात है चाहे वो एक छोटी आम सी बात हो, लेकिन वो एक अब लॉ में कन्वर्ट हो चुकी है, और आप देखेंगे कि इस टॉपिक के अंदर बहुत से नए नए कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। आपने बॉयज लॉ को छोटा मोटा पढ़ा था जब आपने 9th क्लास में पढ़ा था, ठीक है, लेकिन यहां पर आप ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो उसमें बड़ी नई चीजें आने वाली हैं, तो इतनी छोटी बात नहीं है जितनी आप कंसिडर कर गई हैं। सर बॉयज लॉ लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, नहीं नहीं भाई नहीं, 9th क्लास के लिए तो जो बॉयज लॉ था ये कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता था फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन अगर मैं एफएससी की बात करता हूं तो एफएससी में कोई खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। सो क्या लिखा हुआ है, पोलर, अच्छा जी पोलर में डिसॉल्व होता है और नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है, बिल्कुल सही कह रही मिनते, इसमें क्वेश्चन वाली क्या बात थी भाई, बिल्कुल ठीक कह रही है, आपका तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट ठीक है ये वाला। अच्छा कोई और क्वेश्चन इनका है मजे का कोई हो तो फिर हम बात करेंगे उस पर। अच्छा सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर, सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज इन क्लोरोफॉर्म ड्यूरिंग इट्स प्रिपरेशन, इट्स रिमेन इन एक्वस लेयर, डिस्क्राइब अ मेथड फॉर द सेपरेशन, ठीक है। अच्छा ये आप कह रहे हैं कि जी अ सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर, पहली बात तो ये कि डिपेंड करता है कि जो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रहे हो सॉलिड फॉर्म के अंदर उसकी अपनी नेचर क्या है, वो टोटली नॉन पोलर है तो वो तो कभी डिजॉल्व नहीं होने वाला, हाँ अगर उसमें एबिलिटी है कि वो क्या कर सकता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर सकता है फिर वो जो है वो एक्वस लेयर में आ जाएगा, और अगर वो एक्वस लेयर में आ चुका है और वो ऑर्गेनिक ही है तो जाहिर सी बात है फिर हम वो जो है उसको हम निकाल सकते हैं, उसको सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। सर कैलकुलेटर को यूज करते हुए तो 5 से 10 सेकेंड लग जाने हैं, तो 11 सेकेंड कीमती है टेस्ट के लिए, बिल्कुल सर एक एक लम्हा एक एक जो सेकेंड है ना वो कीमती होगा, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि कौन जो है वो टॉप करता है कौन टॉप नहीं करता। सर कोर्स कब कंप्लीट होगा, इसके हवाले से हम आपको पहले भी काफी दफा गाइड कर चुके हैं कि हमारा जो मकसद इस पढ़ाने का है सारा सारा वो ये है कि हम 5 मंथ्स के अंदर आपके कोर्स को कंप्लीट करें, तो इंशाल्लाह हमारा जनवरी का जो मिड होगा या जनवरी का जो एंड होगा उस तक हमारे कोर्सेज जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, आप लोगों को इस बात को टेंशन नहीं लेनी। अच्छा ये लॉन्ग के लिए है या शॉर्ट के लिए, ये जो हमने पढ़ा आजकल वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट के लिए है, कोई लॉन्ग के लिए ऐसा नहीं है, और अब आगे चलते हैं, ठीक है थोड़ा सा फॉरवर्ड मूव करते हैं, क्वेश्चंस आपके बहुत हो चुके हैं और क्वेश्चंस के आगे मूव करेंगे। मैंने आप लोगों के सामने जो चीज़ एक्सप्लेन की थी वो ये थी कि वी इज इक्वल टू के बाय पी, और हमने कहा कि जी हम वेरिएबल्स को एक तरफ ले लेते हैं कॉन्स्टेंट को एक तरफ ले लेते हैं तो पी वी इज इक्वल टू के हम लेकर आ चुके हैं, ठीक हो गया। अच्छा अब ये रिलेशन आपको क्या बता रहा है, अगर हम इस रिलेशन को थोड़ा सा डिफाइन कर लें तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि द प्रेशर ऑफ एनी गैस the product of the pressure and volume of the gas is a constant value, ठीक है, is a constant value, इसका मतलब simply topic क्या होता है ये आपको मैं समझाता हूँ, मैं इसको raise करूँगा और इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखता हूँ। अच्छा देखो अगर हम बात करते हैं यानी अगर let's suppose मैं आपके सामने mention करता हूँ एक मेरे पास है 12 by 3
becomes 4 और एक मेरे पास है 8 by 2 becomes 4 और एक मेरे पास है 48 by 12 becomes 4, ठीक है? देखो, इन तमाम के तमाम जो फ्रैक्शंस हैं, इनसे आने वाला रिजल्ट कांस्टेंट है. यहां से भी 4 गेट कर रहे हो, यहां से भी 4 गेट कर रहे हो, यहां से 4 गेट कर रहे हो, ठीक है ना? समझ आ रही ना आप लोगों को? इन तमाम के तमाम फ्रैक्शंस को सॉल्व करने से जो आपका रिजल्ट है वो क्या है? सेम है. ये तमाम रिजल्ट आपको सेम प्रोवाइड हो रहे हैं, ठीक हो गया? अच्छा, मैं इससे क्या चीज समझाना चाह रहा हूं, देखो, ये है डिनोमिनेटर और ये है नोमिनेटर. डिनोमिनेटर, ठीक है? डिनोमिनेटर छोटा, नोमिनेटर बड़ा, ठीक है? रिजल्ट 4. अब मैंने क्या किया, अब मैंने ये कर दिया कि नोमिनेटर को भी बढ़ा दिया, डिनोमिनेटर को भी बढ़ा दिया. इस तरीके से ये एडजस्टमेंट हुई है कि ओवरऑल जो रिजल्ट था वो सेम ही रहा, ठीक हो गया? यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को मैंने इस तरीके से चेंज किया है कि ओवरऑल इनका जो सॉल्यूशन है वो हमें सेम ही मिल रहा है. सिमिलर वे के अंदर मैंने डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को बढ़ाया है, लेकिन इस तरीके से बढ़ाया है कि ओवरऑल इनकी फ्रैक्शन वैल्यू वही आ रही है जो पीछे थी, ठीक है? तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे पास ये जो रिलेशन है पीवी इज इक्वल टू के, ठीक है? ये जो पीवी इज इक्वल टू के मेरे पास रिलेशन है, अगर मैं क्या करता हूं, मैं अगर टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स किसी एक गैस के कॉन्स्टेंट कर देता हूं, तो अगर मैं किसी एक गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाऊंगा, प्रेशर क्या करूंगा, इंक्रीज करूंगा, तो उससे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. लेकिन प्रेशर इस तरीके से इंक्रीज होगा और वॉल्यूम इस तरीके से डिक्रीज होंगे कि इनका जो प्रोडक्ट होगा वो वही कांस्टेंट वैल्यू हमें प्रोवाइड करेगा जो कि बिफोर चेंजिंग दीज पैरामीटर्स था. समझ आ रही ना आप लोगों को इस बात की? यानी कि अगर लेट्स सपोज मेरे पास प्रेशर था इनिशियल पी वन और इनिशियल वॉल्यूम वी वन था, लेकिन जब मैं इनका प्रेशर पी टू कर देता हूं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वी टू हो जाएगा. लेकिन ये जो चेंज इन प्रेशर डेवलप हुआ है उसकी वजह से जो चेंज इन वॉल्यूम कास्ट किया है उसने, इनका प्रोडक्ट, इनके चेंज का प्रोडक्ट भी मुझे एक कॉन्स्टेंट वैल्यू ही प्रोवाइड करेगा. सिमिलर वे के अंदर जैसे मैंने इससे इसको चेंज किया, यानी इन डिनोमिनेटर नोमिनेटर को चेंज किया, लेकिन वो इस तरीके से एडजस्ट हुए हैं कि उनका प्रोडक्ट सेम आया. फिर मैंने फर्दर चेंज किया, वो इस तरीके से एडजस्ट हुए हैं कि उनका प्रोडक्ट सेम आया, ठीक है? यानी सॉरी, उनकी डिविजन सेम आई, ठीक हो गया? तो यही बात मैं यहां पर कह रहा हूं कि मैं प्रेशर को इस तरीके से चेंज कर, यानी प्रेशर को चेंज करता हूं तो वॉल्यूम इस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करता है कि उनका प्रोडक्ट वही सेम वैल्यू हमें प्रोवाइड करता है. तो मैं ये लिख सकता हूं ना कि फिर पी वन वी वन इक्वल होता है पी टू वी टू के. ये हमारे पास है फाइनल मैथमेटिकल रिलेशन फॉर बॉयल्स लॉ और मैंने आप लोगों के सामने बॉयल्स लॉ को एक्सप्लेन किया है. कल हम इसका जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो करेंगे और इसके साथ साथ हम इसके जो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है उसकी तरफ को भी मूव करेंगे, ठीक है? और आपने कल अच्छे से तैयार करना है अपने जो है वो टेस्ट को, क्योंकि ये टेस्ट जो है बेसिकली तौर पर सिर्फ और सिर्फ जो है यूएसबी की बात है, सच नहीं है. यूएसबी कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, गिफ्ट इतना आप कह सकते हैं कि इतना भी बड़ा गिफ्ट नहीं है. लेकिन देखें, चाहे वो आपका गिफ्ट 10 रुपीज का हो या वो 5 रुपीज का हो, गिफ्ट होता है आपके लिए ऑनर होता है. क्या होता है? ऑनर होता है कि आपने एक कंपटीशन के अंदर टॉप किया, लोगों में टॉप किया ना, चाहे वो 50, 60, 70 ही स्टूडेंट्स क्यों ना हो, लेकिन आपने टॉप तो किया है. तो इस टॉप रैंक पर आने के जो हमारे पास जो हम आपको गिफ्ट दे रहे हैं वो बेसिकली टॉप पे आपके लिए ऑनर है, आपकी पूरी जिंदगी के लिए ऑनर है कि यार मैंने जो है किस तरह की कंपटीशन में हिस्सा लिया था और मुझे इस वेबसाइट ने क्या किया जी, एज अ ऑनर के तौर पर मुझे ये गिफ्ट असाइन किया था, ये गिफ्ट दिया था. और दूसरी बात ये कि फिर आपका कल का दिन जो है बहुत यूनिक दिन बनने वाला है इस सेंस में भी कि अगर आप कल टॉप कर जाते हैं और अगर आप आ सकते हुए स्टूडियो में तो हम आपको इन्वाइट करेंगे, आप हमारा हिस्सा बनेंगे, आप हमारी क्लास में आएंगे, लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, उनसे नहीं करेंगे, तो ये आपके लिए बड़ी ऑनर की बात है. तो आपने अच्छे से टेस्ट देना है और कल तक के लिए मैं आपसे जा चाहूंगा. और अगर आपका क्वेश्चन हुआ तो आप मुझसे पोस्ट पे पूछेंगे, चाहे आप खुद से पोस्ट जनरेट कर लें या मेरे किसी पोस्ट पे कमेंट कर दें, मैं आपके क्वेश्चन का, हर तरह के क्वेश्चन का आपको आंसर कर दूंगा. तो कल तक के लिए आपसे जो है जा चाहूंगा, अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.